हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। आज जो है मैं विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ और ये क्लास जो है हमारी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है आगामी परीक्षाओं को देखते हुए। आज जो है मैंने सारे जो है विज्ञान से ही प्रश्न लिए हैं। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। हमारी क्लास का जो है फर्स्ट प्रश्न है, स्टार्च से क्या संबंधित है, यानी कि स्टार्च में क्या पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, ग्लूकोज। यानी कि स्टार्च में क्या पाया जाता है भैया, ये ग्लूकोज पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, यानी कि स्कर्वी रोग जो है ये किस विटामिन की कमी से होता है। चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेप्सिन होता है, यानी कि पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या है। चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, पेप्सिन जो है एंजाइम है। पेप्सिन क्या है भैया, एंजाइम। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है, यानी कि हमारे जो दांत होते हैं तो इनेमल जो होता है इसे कठोर बनाता है, ये कौन सा तत्व है। चलिए फ्रेंड्स, सही आंसर देखते हैं इसका। सही आंसर होगा इसका बी, फ्लोरिन। फ्लोरिन जो है ये हमारे दांतों में जो एनेमल होता है इसे कठोर बनाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनन क्षमता में कमी होती है, यानी कौन सा विटामिन है जनन क्षमता में जो कमी लाता है। चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, विटामिन ई। विटामिन ई की कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन की खोज किसने की। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, फंक। फंक ने जो है विटामिन की खोज की। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है, यानी कौन सा जो है कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज। ग्लूकोज एवं फ्रैक्टोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सा डाइसैकेराइड है, यानी डाइसैकेराइड जो है निम्न में से कौन सा है। चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, डेक्सट्रीन। डेक्सट्रीन जो है ये डाइसैकेराइड है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है, यानी कि दुग्ध में जो है कौन सा क्या पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, कैसिन। कैसिन जो है दूध में पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं, यानी कौन सा विटामिन है जिसे हार्मोन भी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यानी कि विटामिन डी। विटामिन डी को जो है हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेनिन का श्रवण करने वाला अंग है, यानी कि रेनिन को जो है श्रवण करने वाला कौन सा अंग है। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, अमाशय। अमाशय जो है रेनिन का श्रवण करने वाला अंग है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डार्विन का सिद्धांत था, यानी कि डार्विन का जो सिद्धांत था इसका संबंध किससे था। चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, प्राकृतिक चयनवाद से। जो प्राकृतिक चयनवाद है इसका संबंध किससे था, डार्विन का ये सिद्धांत था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं, यानी कि हरे पौधे जो है किसके कारण होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, मूल उत्पादक। मूल उत्पादक के कारण वन पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है,
जो हमारा जीवों है तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैलेंटोलॉजी अध्ययन है, यानी कि पैलेंटोलॉजी जो है ये किसका अध्ययन है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, जीवाश्मों का। जीवाश्मों को जो है पैलेंटोलॉजी अध्ययन। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है, यानी कि बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का जो है रुधिर किस वर्ग के व्यक्ति को दिया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, यानी कि ओ। ओ वर्ग को जो है बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। ओ जो रक्त समूह है ये सर्वदाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न से लिंग संलग्न कौन है, रोग है, यानी कि निम्न से लिंग संलग्न रोग कौन सा है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, वर्णांधता। वर्णांधता जो है ये लिंग संलग्न रोग है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, टॉन्सिल। टॉन्सिल जो है ये रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग की हो तो इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है। चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, ए बी ओ ए बी, यानी कि चारों इनमें से हो सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सर्वदात्री रुधिर दाता रक्त समूह कौन सा है, यानी कि सर्वदाता जो है कौन सा है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, यानी कि ओ वर्ग। ओ जो है हमारा सर्वदात्री रुधिर दाता रक्त समूह है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा नारियल में खाने योग्य भाग होता है, नारियल है हमारा, नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा होता है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, भ्रूणकोश। भ्रूणकोश जो है नारियल में खाने योग्य भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा प्रोटीन की इकाई है, यानी प्रोटीन किसकी इकाई है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, अमीनो एसिड। प्रोटीन जो इकाई है अमीनो एसिड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा बच्चों में रिकेट्स तथा ओस्टियोमेलिसिया, यानी कि बच्चों में जो है रिकेट्स तथा ओस्टियोमेलिसिया रोग किसकी कमी से होता है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, विटामिन डी की कमी से जो है बच्चों में रिकेट्स तथा ओस्टियोमेलिसिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा पित्त का निर्माण होता है, यानी कि पित्त का जो निर्माण होता है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, यकृत में, यानी पित्त का जो निर्माण होता है यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक सामान्य मनुष्य एक मिनट में सांस लेता है, यानी कि एक सामान्य मनुष्य जो है एक मिनट में कितनी बार सांस लेता है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, 14 से 18 बार, यानी कि एक सामान्य मनुष्य एक मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, यकृत। यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंत तथा बाह्य श्राव दोनों करती है, यानी कि कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो अंतीय तथा बाह्य श्राव दोनों ही करती है। चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, पैंक्रियास। पैंक्रियास जो है एक मात्र ऐसी ग्रंथि है जो अंत तथा बाह्य श्राव दोनों करती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल होता है, यानी कि मानव के जो लाल रुधिर कणों का जीवन काल होता है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका 120 दिन। 120 दिन जो है मानव के लाल रुधिर कणों का जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव के रक्त की सामान्य पीएच होती है, यानी कि मानव शरीर के जो है रक्त का पीएच मान होता है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं।
सही आंसर होगा इसका ए 7.4। 7.4 जो है मानव के रक्त की रक्त का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुधिर दाब का नियंत्रण करता है, यानी कि रुधिर को जो है, रुधिर दाब को जो है नियंत्रण करता है, कौन करता है? चलिए फ्रेंड इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए एडिनल। एडिनल जो है रुधिर दाब को नियंत्रित करती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक है, यानी कि रुधिर का जो है थक्का जमने के लिए आवश्यक है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी कैल्शियम। कैल्शियम जो है रुधिर का थक्का जमने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुधिर में एंटीस्कंदन पदार्थ मिलाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी सोडियम ऑक्सलेट। सोडियम ऑक्सलेट जो है ये एंटीस्कंदन पदार्थ में मिलाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुनेन प्राप्त की जाती है, यानी कि कुनेन किससे प्राप्त की जाती है? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी सिनकोना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, यानी कि मनुष्य के शरीर में जो है सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो है मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि का क्या नाम है? चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो है शरीर में जो है इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए स्प्लीन। स्प्लीन जो है इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेसमेकर का संबंध किससे है, ये पेसमेकर होता है इसका संबंध किससे है? चलिए फ्रेंड्स सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी हृदय से, यानी पेसमेकर का जो संबंध है वो किससे है, हृदय से। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेत्रदान में दाता के आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है, यानी कि नेत्रदान में जो है आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? चलिए फ्रेंड्स सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए कॉर्निया। कॉर्निया जो है नेत्रदान में किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेरेब्रम किससे संबंधित है, यानी कि सेरेब्रम का संबंध किससे है? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी मस्तिष्क। मस्तिष्क से जो है सेरेब्रम का संबंध। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, यानी कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी प्याज से। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज से है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से किसे सुई से मधुमेह नियंत्रित किया जा सकता है? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी इंसुलिन। निम्न में से किसे सुई से मधुमेह नियंत्रित किया जाता है, यानी कि इंसुलिन की कमी के कारण क्या हो जाता है, मधुमेह हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है, यानी कि हाइड्रोफोबिया जो है ये बीमारी होती है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी रैबिज, यानी कुत्ते काटने से हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है, यानी कि डिप्थीरिया जो रोग है इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए गला। डिप्थीरिया रोग से जो है शरीर का जो है गला प्रभावित होता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ग्लूकोमा बे ट्रैकोमा जो है ये बीमारी किससे संबंधित है, यानी कि ग्लूकोमा बे ट्रैकोमा ये बीमारी जो है किससे संबंधित है? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी आंख, ये आंख में होती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, यानी कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, यानी कि शरीर में जो है पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी फीमर। फीमर जो है शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, यानी कि सबसे अधिक लोहा किसमें पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका बी, हरी सब्जी में, हरी सब्जी में जो है सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मलेरिया रोग प्रभावित करता है, यानी कि मलेरिया जो रोग है ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका सी, पीलिया। मलेरिया जो रोग है वो पीलिया को प्रभावित करता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका बी, यानी कि बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन है, अन्य सभी जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूध को गर्म करने पर कौन सा विटामिन निकल जाता है, यानी कि दूध को गर्म करने पर कौन सा विटामिन कम हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स इसका सही आंसर देखते हैं, सही आंसर होगा इसका सी, सी विटामिन जो है दूध को गर्म करने पर कम हो जाता है। ये थे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो विज्ञान से संबंधित हैं। कैसी लगी वीडियो, वीडियो अगर अच्छी लगी हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।